हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल कुकिंग की दूसरा में आप सबका स्वागत है। आज मैंने एक दूसरे तरीके से मैंगो आइसक्रीम बनाई है। डिफरेंट वैरायटी के मैंगो मार्केट में आ रहे हैं, तो हमने बहुत अलग तरीके से मैंने ये आइसक्रीम बनाई है। आप देखिए कितनी क्रीमी बनी है, बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं है इसमें। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही क्रीमी बनी है, एकदम मार्केट जैसी। इसको मैंने नाम दिया है पिस्ता कस्टर्ड मैंगो आइसक्रीम, इसको मैंने नाम दिया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, देखिए। अभी बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, किसको मैंने कैसे बनाया है। इस रेसिपी के लिए मैंने ये आधा लीटर दूध लिया है। अब इसको हम उबलने देंगे। दूध में बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है। इसमें 1/4 कप में चीनी डाल देती हूँ। थोड़ी देर अब इसको उबलने देंगे, जिससे इसमें थोड़ी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे, एक नया सा फ्लेवर निकलता है ज्यादा गर्म हो जाने पर दूध में। अब इस समय दूध हमारा उबल रहा है, 5 मिनट हो गए हैं उबलते हुए। अब मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, 1.5 TSP, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। इसको हमने डाइल्यूट कर लिया है, इसे हम डाल देंगे इसमें। अब खड़े होकर थोड़ी देर इसे चलाते रहेंगे, जिससे ही नीचे लग ना जाए। मैं इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाल रही हूँ, सिंपल दूध है ये, क्योंकि मैंगो के साथ कोई फ्लेवर काम नहीं करता है। अगर चाहें आप तो मैंगो फ्लेवर डाल सकते हैं। अभी हमारा देखिए हो गया है, अब फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब ठंडा होने का इंतजार करते हैं इसका। अब इसको मैं हाफ ढक देती हूँ और ठंडा हो जाएगा ये। जब तक हमारा दूध ठंडा होता है, तब तक ये हमने दशहरी आम के 2 मैंगो का पल्प है ग्राइंडर में डाल करके इसकी हम प्यूरी बना के लाते हैं। ये हमने मैंगो की प्यूरी बना दी है। अब इसमें दूध का जो कस्टर्ड बनाया था, ठंडा हो गया है ये, इसको अब हम इसमें डाल देते हैं। और इसी समय हमने मलाई ली है, आधी डाल देंगे इसमें। अब इसको एक फ्लफी बैटर बना के लाते हैं। ये हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। अब हम इसमें एक एयर टाइट कंटेनर है मेरे पास, इसे हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम बंद करके ढक्कन से फ्रीजर में रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। मैंगो आइसक्रीम को रखे हुए 4 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी हाफ मेल्ट हो गया है। इसको मैं एक फ्लफी बैटर के रूप में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अलग तरीके से इस आइसक्रीम को बना रही हूँ। क्योंकि इसमें मैंने कस्टर्ड से बनाया है, तो इसमें थोड़े से एक क्रंच महसूस हो रहे हैं। देखिए अब मैं फ्लफी बैटर कर दूंगी ना, तो फिर बिल्कुल भी बनेंगे एकदम फ्लफी आइसक्रीम बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। ये हाफ मेल्टेड है, ये 4 से 5 घंटे के बीच में हो जाती है फ्रिज में रखने से। इसको मैं इसमें ही पलट दूंगी। इसका फ्लफी बटर बनाते हैं। ये फ्लफी बटर हम रेडी कर लाए हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर से हम डेकोरेशन कर देते हैं पिस्ते की। अब इसको हम बंद करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं फ्रीजर में। आप चाहे तो इसमें आम भी काट के डाल सकते हैं ऊपर से, मैंने आम नहीं डाले हैं। लीजिए हमारी आइसक्रीम को 5 घंटे हो गए हैं। अब देखिए कितनी अच्छी जमी है, बहुत ही फ्लफी जमी है। बहुत ही क्रीमी जमी है। इसके ऊपर मैंने पिस्ते की गार्निशिंग भी कर दी है। देखिए कितनी क्रीमी बनी है, बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं है इसमें, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।